नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सेल्फ केयर में। दोस्तों, अगर आपको एसिडिटी या गैस बहुत ज़्यादा बनती है, सीने में दर्द, जलन, पेट में भारीपन रहता है, खट्टी डकारें आती हैं, बार बार मोशन जाना पड़ता है या कॉन्स्टिपेशन रहती है, जरा सा वसा युक्त खाना खाते ही आपका वजन बढ़ जाता है या फिर खाया पिया आपके शरीर को नहीं लगता, तो इन सब का मुख्य कारण है आपका पाचन तंत्र कमजोर है, आपका पेट खराब है। आयुर्वेद के ग्रंथ अष्टांग हृदयम में लिखा गया है, सभी बीमारियों की शुरुआत पेट से होती है। खराब पाचन तंत्र या पेट का सही से साफ ना होना 108 बीमारियों को न्योता देता है। दोस्तों, हमारे शरीर की सारी गतिविधियां पाचन तंत्र से जुड़ी होती हैं। पाचन तंत्र के जरिए शरीर के सभी दूसरे ऑर्गेन्स को एनर्जी मिलती है। इसीलिए अगर आपका पेट सही नहीं है तो शरीर के दूसरे ऑर्गेन यानी कि किडनी, लीवर, फेफड़े, हार्ट, हड्डियां, त्वचा और बालों पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जिन लोगों का पेट सुबह अच्छे से साफ नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन रहती है, ऐसे में खाए गए भोजन के अवशेष आंतों में ही चिपक जाते हैं जो कि धीरे धीरे सड़ने लगते हैं। शरीर में एसिड और गैस की मात्रा बढ़ती जाती है। आज भले ही आपको ये बीमारी छोटी और कॉमन लगती हो, लेकिन ये मामूली सी दिखने वाली बीमारी आगे जाकर अल्सर, आईबीएस या कैंसर जैसी डेंजरस बीमारी में परिवर्तित हो सकती है। लंबे समय तक एसिडिटी रहने से आपको इतनी बीमारियां घेर लेंगी जिन्हें आप सोच भी नहीं सकते। आज हम आपके लिए पेट से जुड़े सभी रोगों के लिए एक ऐसी अद्भुत औषधि शेयर कर रहे हैं जो आपकी आंतों में जमी सारी गंदगी को बाहर कर देगी, आपके पेट को पूरा साफ कर देगी, आपका पाचन तंत्र दुरुस्त होगा। तो चलिए चलते हैं रसोई घर में, क्योंकि यहीं पे होती हैं सारी औषधियां मौजूद। यहाँ पे मैंने ली है एक कढ़ाई, गैस को ऑन कर लेते हैं। इसमें आपको डालना है 4 चम्मच अजवाइन और 4 चम्मच जीरा। इन दोनों को हमने धीमी आंच पे ड्राई रोस्ट करना है जब तक ये हल्का ब्राउन नहीं हो जाता। आपको मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे इन्हें सेकने में। इसका कलर हल्का चेंज हो चुका है, बस इतनी देर ही हमें इसे रोस्ट करना है। इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब इसमें 2 चम्मच सौंफ हमने मिला लेनी है, साथ ही साथ 2 चम्मच सौंठ पाउडर जिसे सूखा अदरक पाउडर भी कहते हैं और 1/2 चम्मच काला नमक। इन सबको मिलाकर मिक्सी जार में डालकर हमें इसे पीस लेना है। बिल्कुल बारीक पाउडर आपने इसका बना लेना है। अब इसको एयर टाइट कंटेनर में भर लेंगे। कंटेनर और आपके हाथ बिल्कुल सूखे हुए हों। इस पाउडर को आप महीनों तक चला सकते हैं, ये जल्दी से खराब नहीं होता। इसमें मौजूद सौंठ, अजवाइन, जीरा और सौंफ आपके पेट के लिए एक क्लींजर का काम करेंगी। आपकी आंतों में जमा विषाक्त पदार्थ बाहर होने लगेंगे। अगर आपका पेट साफ हो जाएगा तो दूसरी बीमारियां भी अपने आप खत्म होने लगेंगी। एक कहावत भी है, जिसका पेट साफ उसके होंगे सभी रोग। आइए जानते हैं इसका प्रयोग कैसे करना है। इसके लिए आपने लेना है 1 गिलास गुनगुना पानी। इस पानी में आपने एक नॉर्मल चम्मच या इससे थोड़ा कम पाउडर मिलाकर रात को खाना खाने के 1 घंटे बाद पी लेना है। अगर आपको ये पानी पीने में असुविधा लगे तो इसे फांकी की तरह भी ले सकते हैं, ऊपर से गुनगुना पानी पी लेना है। बच्चों को अगर देना चाहते हैं, वैसे तो बच्चों का पाचन तंत्र बहुत मजबूत होता है, लेकिन कभी कभार बाहर का कुछ अनहेल्दी खा लेने से पेट गड़बड़ हो जाता है, तो ऐसे में 1/2 चम्मच या इससे भी कम आप इसे बच्चों को भी दे सकते हैं गुनगुने पानी के साथ। दोस्तों, इसके अलावा आपको अपने खान पान की प्रक्रिया में भी सुधार लाना आवश्यक है। जाने अनजाने हम अपने खान पान में ऐसी गलतियां करते हैं जो बार बार गैस और एसिडिटी को पैदा करते हैं। हमारी सबसे वर्स्ट हैबिट खाने के साथ या तुरंत बाद पानी पीना। आयुर्वेद में भोजन के साथ या तुरंत बाद पानी पीना विष के समान बताया गया है। जैसे ही हम खाना खाते हैं वो हमारे जठर यानी अग्नाशय में इकट्ठा हो जाता है। जैसे ही भोजन अग्नाशय में इकट्ठा होता है तो हमारा अग्नाशय अग्नि उत्पन्न करता है, जिसे आयुर्वेद में जठराग्नि और इंग्लिश में डाइजेस्टिव फायर बोलते हैं। ये जठराग्नि चलती है तो इसी प्रक्रिया से भोजन पचता है, लेकिन अधिकतर लोग खाने के तुरंत बाद या खाने के साथ पानी पी लेते हैं तो ये अग्नि तुरंत बुझ जाती है या मंद पड़ जाती है और डाइजेशन पावर की गति धीमी पड़ जाती है, जिससे भोजन पूर्ण रूप से नहीं पच पाता और वो सड़ता रहता है। ये सड़ा हुआ भोजन हमें न्यूट्रिशन देने की बजाय शरीर में टॉक्सिन्स पैदा करता है, जिससे अनेकों रोग पनपते हैं। पानी हमेशा खाने के 40 मिनट पहले या 1 घंटे बाद पीना उचित माना गया है। विरुद्ध खाना यानी रॉन्ग कॉम्बिनेशन में खाया गया भोजन भी शरीर के लिए हानिकारक माना गया है, जो डाइजेशन को खराब करती हैं, जैसे दूध या चाय के साथ नमकीन पदार्थों का सेवन करना, गर्म और ठंडी चीजें एक साथ खाना, खाने के साथ या तुरंत बाद चाय पीना, तेल घी वाली चीजों के साथ ठंडी चीजें खाना, ये विरुद्ध खाना पेट में इकट्ठा होकर विष बन जाता है। दिन भर में 7 से 8 गिलास पानी आपको जरूर पीना चाहिए। पानी हमेशा बैठकर घूंट घूंट कर पिए। भोजन हमेशा चबा चबा कर छोटे छोटे निवालों में खाना चाहिए। पपीता अगर आप रोजाना खाली पेट खाते हैं तो आपका पेट बिना किसी दवाई के बिल्कुल क्लीन
हो जाएगा। पपीता डाइजेस्टिव डिसऑर्डर जैसे पेट खराब, सूजन और कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। खाने के बाद दही में काला नमक और भुना हुआ जीरा डालकर खाने से पेट में अच्छे बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ती है। इसके अलावा एक गिलास दूध में गुड़ डालकर गरम गरम रात को पीने से आंतों और लीवर की सफाई हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो में डिस्कस अपने खान पान के इन आसान से नियमों का पालन करेंगे तो इसका असर आपको अपने बालों और स्किन पे एक हफ्ते में दिखने लगेगा। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे भी प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें लेटेस्ट अपडेट के लिए। फिर मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर योरसेल्फ।